वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। हर दिन जीएस के अपने 230 से ऊपर टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसका रिवीजन कर डालिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सी सेट को, क्योंकि समय कम है। तो सी सेट यानी पेपर टू, यूपीएससी में सी सेट यानी पेपर टू, इसमें आते हैं 80 क्वेश्चन। इन 80 क्वेश्चन कितने अंक के हैं? ये 200 अंक के हैं। इन 200 अंकों में से आपको लिए लाने हैं 66 अंक आपको लाने हैं, यानी देखा जाए तो कुल मिला के आपको 27 या 28 प्रश्न सही करने होंगे। और एक प्रश्न देखा जाए तो कितने अंक का हो गया यहाँ पर? 2.5 अंकों का हो गया। अगर आप इसमें क्वालिफाइड हो गए तब जाके आपके पेपर वन की जो कॉपी है वो चेक की जाएगी, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है सी सेट भी, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, कम से कम हफ्ते में 3 बार तो लगाया कीजिए, 1-1.5 घंटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पैसे से और हर तरह के प्रश्नों को इस टेस्ट में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। देखिए, परिच्छेद से कम 25 से 28 30 प्रश्न तक आते हैं, फिर उसके बाद मैथ के कुछ प्रश्न आते हैं, रीजनिंग आती है, तो यही सब है इसमें। चलिए, तो पैसेज है, कोरोना वायरस के भयावह खतरे से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद कुछ समस्याएं आनी ही थी, लेकिन इस बारे में शायद ही किसी ने अनुमान लगाया हो कि महानगरों से एक बड़ी संख्या में लोग अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट है कोरोना, सीधे सीधे इसके एडिटोरियल से उठाकर परिच्छेद पूछा जा सकता है या इससे संबंधित कुछ भी। चलिए, दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ और दिल्ली और कुछ अन्य महानगरों के दिहाड़ी मजदूर, कारखाना श्रमिक और अनेक लोग जिस तरह अपने गांव जाने के लिए उमड़ पड़े, उससे राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार के समक्ष भी यकायक यह चुनौती आ खड़ी हुई है कि इन सबको राहत देने के साथ ही उनके बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से कैसे रोका जाए। यह संतोषजनक है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के इन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ठहराने और उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था करने में जुटी हुई हैं। इस व्यवस्था में समाज के सक्षम तबके की ओर से बढ़ चढ़कर जिस तरह योगदान दिया जा रहा है, वह समस्या की गंभीरता को कम करने वाला तो है ही, राष्ट्रभाव को बल देने वाला भी है। देखिए, बड़े बड़े आजकल पैसेज पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए सही यही होगा कि एग्ज़ाम से पहले आप 40 से 50 पैसेज का रिविज़न कर डालो, ताकि तीव्र गति से पढ़ सको एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि समय बहुत जल्दी जाता है। देखने में लगते हैं 80 प्रश्न, जीएस में 100 प्रश्न, इसमें 80, लेकिन इसमें 80 जो हैं 150 के बराबर हैं। चलिए, अब इसी के हिसाब से जो है प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो उपर्युक्त परिच्छेद के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देना है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, जो भी उत्तर दिए जाएंगे अपने मन से मत देना, परिच्छेद के अनुसार ही देना है। परिच्छेद में अगर कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन, रामनाथ कोविंद, तो कोविंद, ये नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी लगा दोगे वहाँ पर, तो परिच्छेद के अनुसार ही उत्तर देना है। चलिए, देश में पैदा होने वाले इस तरह के गंभीर खतरे आम जनता के पलायन का कारण बन सकते हैं और समस्या से निपटने के लिए सक्षम वर्ग आगे आया और जनहित में योगदान देने की कोशिश की है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया, जबकि देखिए यहाँ क्या लिखा है कि यह संतोषजनक है कि जो परिच्छेद का सेकंड पैरा है, यह संतोषजनक है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के इन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ठहराने और उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था करने में जुटी है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी कदम नहीं उठाया गया, तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। अब चूंकि यह एलिमिनेट हो गया तो इसका आंसर काटिए, जहाँ जाए कि वो नहीं होगा। अब आराम से इसका आंसर निकल गया, देखिए 2 और 3 सही हो गए। तो देश में पैदा होने वाले इस गंभीर खतरे आम जनता के पलायन का कारण बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। क्या बने? देखिए, यहाँ लिखा है ना साफ कि दिल्ली और कुछ अन्य महानगरों के दिहाड़ी मजदूर, कारखाना श्रमिक और अनेक लोग जिस तरह अपने घर जाने के लिए उनकी भीड़ उमड़ पड़ी, उससे राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार के समक्ष एकाएक चुनौती आ खड़ी हुई है। तो करेक्ट है यहाँ पर पहला, इनकरेक्ट है, करेक्ट है यहाँ पर दूसरा, इनकरेक्ट है पहला, और करेक्ट है यहाँ पर तीसरा भी, क्योंकि समस्या से निपटने के लिए सक्षम वर्ग जो है वो सामने आया और जनहित में योगदान देने की उन्होंने कोशिश की है। अब ये कहाँ पर लिखा है, ये देखिए इधर, इस व्यवस्था में समाज के सक्षम तबके की ओर से बढ़ चढ़ कर जिस तरह योगदान दिया जा रहा है, वह समस्या की गंभीरता को कम करने वाला तो है ही, साथ ही
राष्ट्रीय भाव को बल देने वाला भी है। तो इसी तरह से आपको जो है प्रश्नों का उत्तर देना है परिच्छेद के अनुसार। तो देखिए केवल यहाँ पर 2 और 3 सही है, किंतु 1 गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यह संतोषजनक है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के इन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ठहराने और उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था करने में जुटी है। और पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई कदम नहीं उठाया गया। दूसरा परिच्छेद पढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज आप पढ़ लोगे एग्ज़ाम से पहले उतने ही प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। पढ़िए। अजीब बात है कि कोरोना वायरस के कम फैलाव के बावजूद पश्चिमी मीडिया में भी भारत के प्रति नकारात्मक ही टिप्पणी आई है। अजीब बात है कि कोरोना वायरस के कम फैलाव के बावजूद पश्चिमी मीडिया में भारत के प्रति नकारात्मक ही जो टिप्पणी आई है। इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब इंडिया में कोरोना उतना तो फैला नहीं ना जितना चाइना में हुआ और जितना इटली में हुआ, स्पेन में जितना हो रहा, यूएस में हो रहा, मतलब अभी के जो आंकड़े कह रहे हैं। जबकि यूरोप की तुलना में हमारे यहाँ विशाल आबादी है और चिकित्सा संसाधनों की कमी है। लगता है कि उनके द्वारा भारत के प्रति नकारात्मक विचार रखना एक आदत सी बन गई है। जबकि यहाँ से दुनिया में कोई रोग नहीं फैला। रोग कहाँ से फैला? चीन से। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान और आयुर्वेदाचार्य पंडित वामदेव शास्त्री मतलब डेविड फ्राउले कहते हैं कि भारत ने विश्व को योग, वेदांत, आयुर्वेद और अहिंसा जैसे विचार दिए हैं, ना कि स्वार्थ, वाजारवाद और कट्टर रिलीजियन या आतंकवाद। योग वेदांत आधारित जीवन पद्धति ही विश्व के लिए मूल्यवान है। योग आयुर्वेद रोग उपचार से अधिक निरोग बने रहने पर आधारित हैं। अब देखिए विविध रोगों समस्याओं के निदान में हिंदू ज्ञान परंपरा आज भी अत्यधिक लाभकारी है। यह परंपरा जीवन मात्र और आध्यात्मिकता का भी सम्मान करती है। दूसरी परंपराएं केवल मानव या उससे भी संकीर्ण मात्र अपने मतवादियों तक केंद्रित और भौतिकवादी हैं। इसलिए जो आपको लगे उसको अंडरलाइन कर लेना एग्ज़ाम हॉल में और यहाँ पर भी। इसलिए वन पर्यावरण अन्य जीव जंतुओं के प्रति वर्बर रही हैं। उसी से विश्व में अनेक समस्याएं पैदा हुई और उनके समाधान में भारतीय दर्शन और जीवन पद्धति सर्वाधिक सहायक है। योग आयुर्वेद रोग उपचार से अधिक निरोग बने रहने पर आधारित है। इसमें शरीर, मन और चेतना को समग्रता में देखा गया है। यह ज्ञान सार्वभौमिक मूल्यवान है। उदाहरण के रूप में आयुर्वेद ने तांबे के पात्र में हो सके तो तुलसी दल के साथ रात भर रखा पानी नृत्य प्रति पीने की अनुशंसा की। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का अच्छा उपाय है। अब देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू किया, यहाँ आते आते क्या हो गया, आधा चला गया कि हमने क्या पढ़ा था। इस तरह बड़े बड़े स्टेटमेंट की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो उपरोक्त परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो भारत ने विश्व को योग, वेदांत, आयुर्वेद और अहिंसा जैसे विचार दिए हैं। योग वेदांत आधारित जीवन पद्धति ही भारत एवं एशिया के लिए मूल्यवान है और विविध रोगों समस्याओं के निदान हेतु हिंदू ज्ञान परंपराएं आज भी मतवादियों तक केंद्रित हैं और भौतिकवादी हैं। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है परिच्छेद के अनुसार। देखिए भारत ने विश्व को योग वेदांत आयुर्वेद और अहिंसा जैसे विचार दिए हैं, ये तो करेक्ट है क्योंकि यही साफ साफ लिखा है। देखिए पहले वाले पैरे में है ना कि भारत ने विश्व को योग, वेदांत, आयुर्वेद और अहिंसा जैसे विचार दिए हैं, ना कि स्वार्थ, बाजारवाद और कट्टर रिलीजियन या आतंकवाद। तो पहला तो करेक्ट हो गया। अब चूंकि पहला करेक्ट हो गया तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब पहला करेक्ट हो गया अभी फ़िलहाल तो ये तो हो नहीं सकता, ना ही ये हो सकता। या तो आंसर इसका ये है या फिर डी है। अगला पढ़ते हैं। योग वेदांत आधारित जीवन पद्धति ही भारत एवं एशिया के लिए मूल्यवान है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर भारत और एशिया की तो बात कोई हो ही नहीं थी पैसेज में भारत और एशिया की तो बात हो ही नहीं थी, विश्व की बात हुई थी ना। ये देखिए योग वेदांत आधारित जीवन पद्धति ही विश्व के लिए मूल्यवान है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है इसको काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लिख रहा है योग वेदांत आधारित जीवन पद्धति भारत एवं एशिया के लिए मूल्यवान है, जबकि ये तो विश्व के लिए मूल्यवान है पूरे।
तो पहला करेक्ट है। अब चूंकि दूसरा भी गलत हो गया तो इसका आंसर उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता, इसका आंसर केवल एक ही होगा। विविध रोगों समस्याओं के निदान हेतु हिंदू ज्ञान परंपरा आज भी मतवादियों तक केंद्रित है और भौतिकतावादी है। नहीं, भौतिकतावादी ये नहीं है, हिंदू परंपरा नहीं है, भौतिकतावादी कोई और है, लेकिन उसका उल्लेख यहाँ पर हुआ नहीं है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, विभिन्न रोगों समस्याओं के निदान हेतु हिंदू ज्ञान परंपरा आज भी अत्यधिक लाभकारी है। भौतिकतावादी नहीं है, यह परंपरा जीवन मात्र और आध्यात्मिकता का सम्मान करती है। दूसरी परंपराएं, मतलब कोई और परंपरा होगी, दूसरी परंपराएं केवल मानव या उससे भी संकीर्ण मात्र अपने मतवादियों तक केंद्रित हैं और भौतिकतावादी हैं। भारत की ये जो हिंदू ज्ञान परंपरा है वो भौतिकतावादी नहीं है, यह तो लाभकारी है। तो ये भी गलत है, केवल एक सही हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली। तो देखिए केवल एक सही है, दो और तीन सही नहीं है, क्योंकि योग वेदांत आधारित जीवन पद्धति ही विश्व के लिए मूल्यवान है, ना कि भारत एवं एशिया के लिए, इसलिए गलत है दूसरा। और विभिन्न रोगों समस्याओं के निदान में हिंदू ज्ञान परंपरा आज भी अत्यधिक लाभकारी है। यह परंपरा जीवन मात्र और आध्यात्मिकता का सम्मान करती है। दूसरी परंपराएं केवल मानव या उससे भी संकीर्ण मात्र अपने मतवादियों तक केंद्रित हैं और भौतिकतावादी हैं, इसलिए गलत है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी परिच्छेद से एक और आंसर आपको देना है। उपर्युक्त परिच्छेद के अनुसार लेखक ने वन पर्यावरण एवं जीव जंतुओं के प्रति वरवर इस नहीं है ये किस परंपरा को बताया है। चलिए इस भी हो सकता है, क्योंकि इनमें से इस परंपरा मतलब इनमें से किसी एक, चलिए बताइए कौन सी है वो परंपरा इनमें से। उपर्युक्त परिच्छेद के अनुसार लेखक ने वन पर्यावरण में जीव जंतुओं के प्रति वरवर परंपरा को बताया है। किसको बताया है, भारतीय परंपरा को, योग वेदांतों को, या पश्चिमी सभ्यता को? देखिए भारतीय परंपरा तो है नहीं जो वन पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति वरवर है। अच्छा, योग वेदांत भी नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं पर भी ऐसी बात नहीं की गई है कि योग वेदांत जो है पर्यावरण, वन पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति वरवर हैं। क्या इसका उत्तर डी हो सकता, सी हो सकता है, मतलब केवल 3 पश्चिमी सभ्यता। अच्छा, यहाँ ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है इसमें, पूरे परिच्छेद में देखा जाए तो खाली यहाँ पर तो ये बात हुई है ना कि अजीब बात तो यह है कि वायरस के फैलाव के बावजूद पश्चिमी मीडिया में भारत के प्रति नकारात्मक टिप्पणियाँ आ रही हैं। मतलब पश्चिमी मीडिया की यहाँ पर बात हो रही है कि जो भारत के लिए नकारात्मक टिप्पणी करती है, जबकि यूरोप की तुलना में हमारे देश में विशाल आबादी है और चिकित्सा संसाधनों की कमी है, फिर भी हमारे जो देश में इतने कम केस नहीं हुए, मतलब इस वायरस का फैलाव इतना नहीं हुआ। तो क्या करना चाहिए इसका उत्तर, ये करेक्ट हो गया, कौन सा प्रश्न था, चलिए ये था ना कि वन पर्यावरण व जीव जंतुओं के प्रति वरवर इस परंपरा को बताया है। तो देखा जाए तो इनमें से कोई भी नहीं है, भारतीय परंपरा भी नहीं है, वेदांत भी नहीं है, पश्चिमी सभ्यता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पश्चिमी मीडिया की बात हुई है, किसी पश्चिमी कल्चर को इंडिकेट नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए संपूर्ण परिच्छेद में किसी परंपरा विशेष की ओर संकेत करके यह नहीं कहा गया है कि वह वन पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति वरवर है। प्रथम खंड में पश्चिमी मीडिया की बात केवल हुई है जो भारत के प्रति नकारात्मक टिप्पणियां ही करती है। दूसरी परंपराएं केवल मानव या उससे भी संकीर्ण मात्र अपने मतवादियों तक केंद्रित हैं और भौतिकतावादी हैं, इसलिए वन पर्यावरण अन्य जीव जंतुओं के प्रति वरवर रही हैं। तो देखिए दूसरी परंपराएं कौन सी हैं, दूसरी परंपराएं कोई भी हो सकती है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते वेस्टर्न कल्चर इसके लिए जिम्मेदार है, वहाँ पर पश्चिमी मीडिया की बात हुई है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये चीज़ें कब निखर के आएंगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप परिच्छेद की प्रैक्टिस कर लोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, रिक्त चतुर्भुज में अगली संख्या क्या होगी बताइए जरा। पहले गोल चतुर्भुज में रेक्टेंगल में 504 लिखा है, दूसरे में 720 लिखा है, तीसरे में 990 लिखा है। अब ये है क्या, देखा जाए तो मल्टीपल में भी नहीं जा रही है, मतलब इसका गुणा डबल भी नहीं है, 504 का डबल कितना होता है, 1008 होता है, वो भी नहीं है। तो ये है क्या, तो अधिकतर ऐसे प्रश्न किससे आते हैं, स्क्वायर क्यूब से आते हैं। तो 504 किसी का क्यूब है क्या, देखिए 8 का कितना होता है, 5 का 25, 6 का 216 है, 8 का कितना होता है, 8 का होता है 512। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का होता है 512, कितना होता है 512।
अब 512 में से ये जो 8 अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 504 आ जाएगा। इसी तरह नौका कितना होता है, नौका होता है कितना, 729। नौका कितना होता है, 729 होता है। अब 729 में से 9 माइनस किया तो कितना आएगा, 720 आ जाएगा। अब 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। 10 का कितना होता है, 1000। 10 का कितना होता है, 1000। 10 का कितना होता है, 1000 होता है ना। अब 1000 में से जब 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 990 आ जाएगा। अब 10 के बाद कौन सी संख्या आती है, 11 आती है ना। 11 का कितना होता है, 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। 1331 में से यही 11 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1320 आ जाएगा ना, 1320 आ जाएगा। तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1320। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 91 से 180 तक विषम मतलब ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा, कितना होगा 91 से 180 तक की विषम संख्याओं का औसत, एवरेज निकालना है। किस तरह से निकाला जाता है एवरेज, देखिए बहुत सारे तरीके हैं एवरेज निकालने के, जो सिंपल तरीका है जिसकी ट्रिक है आसान सी। देखिए यहाँ 91 जो नंबर है वो क्या है, ऑड है, लेकिन 180 नंबर क्या है, इवन है। तो इसको क्या करेंगे, 91 प्लस एक कम कर लो उसका, इवन तक ले जाना, ऑड तक ले जाना, 179। इन दोनों को जोड़ दो, अब दो नंबर हैं इसको क्या कर दो, इसको 2 से भाग कर देना, जोड़ के कितना आएगा, जोड़ का आया 270। 270 को भाग दो जरा 2 से, कितना आएगा, तो ये कट जाएगा 5, तो ये 135, 135 दोना कितने हो जाएंगे, 270। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस तरह से निकाल सकते हो उसको, मतलब आसान था ये काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12 से 30 तक सम इवन संख्याओं का औसत कितना होगा, बताइए। काफ़ी आसान सा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें रॉकेट मैथ पूछी जाएगी, सीधी सीधी सिंपल से पूछ लेते हैं, बताइए। कुछ प्रश्न ही टेढ़े से होते हैं बस। 12 से 30 तक सम, दोनों देखिए क्या है, सम है दोनों, दोनों ईवन नंबर है ना, तो जोड़ दो इनको, 12 प्लस 30 कर दो, कितना हो जाएगा, 200 कर देना इसकी भाग, 42 हो गया ना, 42, 42 दोना कितना हो गया, फिर 21 से कट जाएगा, 21 दोनों 42, तो 21 हो गया इसका आंसर। इसका औसत सम संख्याओं का जो औसत कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आकृति, बहुत पूछी जाती है, कितने हैं। अब देखिए इसको काउंट करोगे ना तो घंटा भर लग जाएगा, अगर इस तरह की कोई डायग्राम आता है, मान लीजिए इसमें कितने त्रिभुज हैं बताइए, इसमें एक त्रिभुज है, इसमें तो एक ही त्रिभुज है ना। अब देखिए इसके अंदर यदि एक त्रिभुज और बना दिया जाए तो ये जो बना हुआ नया त्रिभुज होता है ना, ये 4 लेकर आता है, 4 एक्स्ट्रा लेकर आता है, चाहे काउंट कर लो आप। देखिए एक ये बड़ा वाला हो गया, 2 3 4 5, मतलब 4 तो अंदर वाले हो गए, एक ये बड़ा वाला हो गया, तो 5 हो गया, मतलब टोटल ये कितने हो गए, 4 + 1 5 हो गया, मतलब इस बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बनाया तो ये 4 लेकर आया, क्योंकि एक तो ये पहले से ही था, 4 और आ गए तो 5, लेकिन अब ये फिर और बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है, इसकी एक टेबल है उसको याद कर लीजिए आप, और टेबल को ना इसके नीचे से काउंट करना जितने ये हैं, देखिए 1 2 3 4। अब चूँकि एक था तो एक में एक बन रहा था, अगर दो थे तो दो में कितने, 5 बन रहे थे ना, क्योंकि एक के अंदर 4 लेकर आ रहा था 5। अब 3 में कितना बनेगा, 3 में बनेगा, इसका टेबल याद करनी है आपको, 3 में बनेगा 13, और 4 में कितना बनेगा, 4 में बनेगा 27, 4 में 27, और 5 में कितना बनेगा, 5 में कितना बनेगा, 5 में बनेगा 48, और 6 में कितना बनेगा, 6 में बनेगा 78। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ये है वो इंपॉर्टेंट टेबल जो आपको याद रखनी है, अगर बेस 1 है केवल, ये 1 है तो एक त्रिभुज बनेगा, अगर 2 है, दो किस तरह से ये देखिए, ये काउंट करना आपको नीचे वाला, एक ये हो गया एक ये हो गया, दो है तो 5 त्रिभुज बनेंगे, अगर 3 नीचे बेस हैं तो 13 त्रिभुज बनेंगे, अगर 4 बेस हैं तो 27 बनेंगे। नीचे देखिए 4 थे ना, काउंट करिए इसको, 1 2 3 4, 4 थे तो कितने, 27 बनेंगे। अगर यही चीज़ और लंबी होकर यहाँ 5 होती फिर कितने बनते, 48। अगर ये 6 होती फिर कितने बनते, 78। देखिए 6 इनफ है, क्योंकि 6 से बड़ा डायग्राम नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी पूछ लेता है तो आपको फिलहाल 6 का 78 याद रखना, 7 से बनेंगे 118, 8 तक आपको याद रखिए 170 बनेंगे। यही चीज़ है, इसको निकालने बैठोगे तो घंटा भर लग जाएगा,
सबसे अच्छा है इसको याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कथन है और नीचे निष्कर्ष है और इस कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। सभी कोरोना वायरस हैं, सभी वायरस जानलेवा हैं, कोई वायरस चमगादड़ नहीं है। अब देखिए ये सिलोलिज्म में इसको लिए सबसे अच्छी वही ट्रिक है, मतलब गोला बनाओ और काटो, एलिमिनेट करो, फिर उसी के हिसाब से निष्कर्ष देख लीजिएगा। तो देखिए सभी कोरोना वायरस हैं, मतलब देखा जाए तो ये हो गया कोरोना, ये हो गया कोरोना, और वायरस के लिए यहाँ आ जाएगा, वायरस के लिए यहाँ आ जाएगा, सभी कोरोना वायरस हैं और सभी वायरस जानलेवा हैं। अब ये जो वायरस है इसके लिए और बाहर बना दो, ये इसको जानलेवा कर दो। अब क्या लिखा चौथे में, कोई वायरस चमगादड़ नहीं है, तो कोई भी वायरस चमगादड़ नहीं है तो चमगादड़ का गोला अलग बना दो। तो इस तरह से जो इसका गोला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखिए पहले में क्या था, सभी कोरोना जो हैं वो वायरस हैं और सभी वायरस क्या हैं, जानलेवा हैं, और कोई भी चमगादड़ वायरस नहीं है, तो चमगादड़ का अलग बन गया, यही तो था ना, कोई भी वायरस जो है वो चमगादड़ नहीं है। अब निष्कर्ष इसके निकल रहे हैं कि सभी जानलेवा वायरस हैं। पहला है सभी जानलेवा वायरस हैं, तो सभी जानलेवा वायरस थोड़ी हैं, कुछ जानलेवा वायरस हैं। देखिए इसकी चीज़ ये कि याद रखिए, अगर इधर से इधर पूछेगा ना सभी करके तो वो सारा सही होगा, इधर से इधर पूछेगा ना सभी करके तो वो गलत होगा। यहाँ अगर देखा जाए तो सभी कोरोना, यहाँ देखा जाए तो सभी कोरोना वायरस हैं और सभी कोरोना यहाँ पर जानलेवा भी हैं, सभी वायरस यहाँ पर जानलेवा भी हैं, लेकिन सभी वायरस यहाँ पर कोरोना नहीं हो सकते, कुछ वायरस कोरोना हैं, और यहाँ पर सभी जानलेवा वायरस भी नहीं हो सकते, कुछ जानलेवा वायरस हैं। तो पहला जो है वो गलत हो गया, देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला वाला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरे में क्या है, कुछ चमगादड़ वायरस हैं, कुछ चमगादड़ वायरस कैसे हो सकते हैं, चमगादड़ अलग है देखिए और वायरस कहाँ है, तो ये भी गलत है, दूसरा भी गलत हो गया। अब तीसरे में क्या है, सभी वायरस जानलेवा हैं, सभी वायरस जानलेवा, देखिए सभी वायरस जो है ये जानलेवा सही है, क्योंकि कोरोना के ऊपर गोला वायरस का, वायरस के ऊपर गोला किसका, जानलेवा का, तो सभी वायरस जानलेवा हैं, सभी वायरस जानलेवा हैं इसलिए करेक्ट है, लेकिन सभी जानलेवा वायरस नहीं है ये गलत है, कुछ जानलेवा हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो था ना पहला कि सभी जानलेवा वायरस हैं गलत है, ये केवल तीसरा यहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष निकलता है गलत, एक नहीं निकलता है, केवल एक और दो निकलते हैं गलत, ये भी नहीं निकलता, केवल दो निष्कर्ष निकलता है गलत, केवल तीन निष्कर्ष निकलता है, हाँ बिल्कुल डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो यहाँ पर देखिए केवल तीन निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि सभी वायरस जो हैं वो जानलेवा हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए, ए ने किसी काम को 20 दिन में, बी ने उसी काम को 30 दिन में, तो दोनों ने उस काम को पूरा कितने दिन में किया। देखिए जिन बच्चों का जो मैथ का बैकग्राउंड होगा उनको ये काफ़ी आसान लग रहे होंगे प्रश्न, लेकिन ऐसे ही प्रश्न सी सेट में पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए फिलहाल इसका उत्तर बताइए क्या है, ए ने किसी काम को 20 दिन में, बी ने उसी काम को 30 दिन में, तो दोनों ने मिलकर उसी काम को कितने दिन में किया। थोड़ा ईजी प्रश्न है, और पहला टेस्ट है ना, अगर एक आध हल्का ईजी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए तो इसकी सबसे आसान जो, या तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इक्वेशन बना के कर लो आसान से। देखिए ए कर रहा है किसी काम को 20 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 30 दिन में, अब इनका एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा, 20 30 60 6 तो 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। तो देखिए 20 तिया 60 तो 3 हो गया यहाँ पर, और 3 दूनी 6 तो 30 दूनी 60, तो यानी इसका एक दिन का काम 3 हो गया, इसका 2 हो गया। अब इनके कामों को जोड़ लो, 3 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया ना, अब 60 से भाग कर दो 5 की तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, ये तो आसान सा प्रश्न है ना काफ़ी। तो 12 दिन में ए और बी दोनों मिलकर जो है काम को कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी पंक्ति में ए बी सी डी, ये देखिए एक चीज़ हट गई यहाँ से, मेरे को तो पता है ना ई, इसके लिए क्षमा है क्योंकि 4-5 दोस्त हैं। किसी पंक्ति में ए बी सी डी और ई उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ए जो है सबसे किनारे पर नहीं बैठा है, डी सबसे किनारे पर बैठा है, डी का पड़ोसी सी और ए नहीं है, बी जो है वो ए और ई के बीच में बैठा है, और डी के ठीक बाएं कौन बैठा है आपको बताना है, डी के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो इस तरह के प्रश्नों का सबसे आसान तरीका यही है,
कि जैसे जैसे यह बोल रहा है, पट्टी बनाने के लिए बोल रहा है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो नॉर्थ मान लीजिए, इधर नॉर्थ कर दीजिए और एक पंक्ति बना दो, उत्तर की तरफ मुंह करना है तो चलिए पट्टी बना देते हैं। अब जैसे जैसे यह बोल रहा है, उत्तर की तरफ मुंह करवाना है सभी का, ए सबसे किनारे पर नहीं बैठा है, तो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, यहाँ ई भी है ना, तो 1 2 3 4 पहले 5 पॉइंट मार लीजिए, 1 2 3 4 5 पॉइंट मार लीजिए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे बिठाते रहिए। ए सबसे किनारे पर नहीं बैठा है, चलिए सबसे किनारे पर नहीं बैठा है तो कहीं बीच में बैठा होगा, या तो यहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा, कहाँ बैठा होगा पता नहीं। आगे पढ़ते हैं, डी सबसे किनारे पर बैठा है, चलिए डी को एक किनारे पर बैठा देते हैं, डी को मान लीजिए इस किनारे पर बैठा देते हैं यहाँ पर। अब अगला स्टेटमेंट बोल रहा है, डी का पड़ोसी सी और ए नहीं है, डी का पड़ोसी सी और ए नहीं है, यानी ना तो यहाँ पर सी आएगा, ना तो यहाँ पर ए आएगा, ना तो यहाँ पर ए आएगा, ना तो यहाँ पर सी आएगा, सी और ए इनमें से कहीं एक जगह आएंगे, तो चलिए मान लीजिए हम ए को यहाँ बैठा लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बी जो है ना, बी वो ए और ई के बीच में बैठा है। अब बी जो है वो ए और ई के बीच में बैठा है, तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता बी, अब बी को हमको कहाँ, यहाँ बैठाना पड़ेगा ना, बी जो है वो ए और ई के बीच में बैठा है, ए और ई के बीच में बैठा है, अब ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। एक चीज़ और लिखी थी, जो डी है, डी का पड़ोसी सी और ए नहीं है, तो डी का पड़ोसी सी और ए नहीं है, तो चलो ई हो गया यहाँ पर। अब कौन बचा, 4 हो गए, एक लॉग बचा है, और लॉग है सी, तो सी अपने आप यहाँ आ जाएगा, सी अपने आप यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ए किसी किनारे पर नहीं बैठा है। चलिए अब ये बनेगा यहाँ पर डायग्राम। अब डी के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो डी देखिए, डी के ठीक बाएं क्या है, उत्तर दिशा में देख रहे हैं, तो बाया हाथ इसका ये हो गया ना, लेफ्ट हैंड, तो ई बैठा है ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का डायग्राम बनेगा, मतलब सब नॉर्थ की तरफ मुँह करके बैठे हैं, डी जो है सबसे किनारे पर आएगा, सी सबसे किनारे पर आएगा, जो बी होगा वो ए और ई के बीच में होगा। अब चूंकि बोल रहा था डी के पड़ोस में ना तो बी बैठा है ना तो ए बैठा है, तो बैठा कौन है, बोल रहा था ना वहाँ पर, देखिए डी का पड़ोसी सी और ए नहीं है, तो डी का पड़ोसी ना तो सी है, ना तो सी है, ना तो ए है, तो क्या हो गया, ई हो गया, तो सबसे पड़ा लेफ्ट में कौन है, ई हो जाएगा। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिविज़न कर लीजिएगा। धन्यवाद।